हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गिलो द यूपीएससी प्रेमी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में रिंग बेल होगी, उस पर क्लिक करना ना भूलिए। जैसे आप रिंग बेल पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन बाय मैसेज मिल जाएगा। देन अनदर चीज, एक और, जिन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है व्यापम एग्जाम तैयारी, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। उस पर अलग अलग स्टडी मटेरियल और ये सारे वीडियो लेक्चर हैं, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पे बिलो में नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे बहुत सारा रिस्पांस आ रहा था कि आप मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पे वीडियो बनाइए, तो देन आज का लेक्चर है मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कलेक्शन, प्लस जो लेटेस्ट अपडेट है, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाया हूँ। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत कैसे कब करी गई, तो ध्यान रखिए, तो ये कोड में बता रहा हूँ, 7-7 याद रखिए, क्योंकि वहाँ ईयर दे देते हैं 2015-16-17, तो देन याद रखिए, स्टार्टिंग डेट भी याद रखिए 7 अप्रैल 7-7, और क्या है, ग्वालियर जिले से। आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दीनदयाल योजना रसोई गर्ल कहाँ पर शुरू करी थी, ध्यान रखिए ग्वालियर में, और पर्टिकुलर डेट भी पूछ सकते हैं 7 अप्रैल 2017, तो आप याद रख सकते हैं, G7 समूह का ग्रुप है, तो वहां से G7 याद रख सकते हैं, ग्वालियर और 7-7। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह योजना कौन सी है जिसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, तो ध्यान रखिए दीनदयाल रसोई योजना, आपको यूं पूछ सकते हैं, दीनदयाल रसोई योजना में भरपेट भोजन आपको कितने रुपए मिल सकता है, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए या फिर 2 रुपए, तो ये सारी चीज ध्यान रखिए, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा दीनदयाल, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है मध्य प्रदेश की। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा लगातार, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा कृषि कर्मक अवार्ड मध्य प्रदेश को लगातार मिल रहा है, 3 से 4 साल से मिल रहा है, बट आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश ने लगातार कितनी बार कृषि कर्मक अवार्ड जीता है, तो आपका आंसर याद रहना चाहिए, 2017 में 5वीं बार जीता है, ठीक है, 2017 में 5वीं बार जीता है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य, तो सभी को मालूम है कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, झाबुआ जिले की नई तहसील का नाम क्या है, तो आप याद रखिए रामा तहसील है, रामा को तहसील का दर्जा दिया गया है झाबुआ जिले में, तो ये आपका एक और करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस डिजिटल ग्राम कौन सा है, तो ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, कैशलेस का ही बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कौन सा ग्राम है, गढ़करिया भोपाल के पास है, तो आप याद रखिए गढ़करिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला कैशलेस क्या है, गढ़करिया भोपाल के निकटतम आता है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए पुरस्कृत योजना जिला स्तर पर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए आप 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपीज दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत और इसका है, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था में पूछ सकते हैं, तो शत प्रतिशत टीकाकरण मध्य प्रदेश ने कितना पुरस्कार रखा गया, कितना आता है, 2 लाख रुपए के तक आता है, और ये जिला स्तर पे कितना है, जिला स्तर पे भी 2 लाख रुपए है, पंचायत में भी कितना है, पंचायत में भी 2 लाख रुपए है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए, टीकाकरण में 2 लाख रुपए, जिला और ग्राम पंचायत में 2 लाख रुपए पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति को कौन बुलेट कहा जाता है, तो ध्यान रखिए अलग से क्वेश्चन मैंने ऐड करा गया है, तो बुलेट किसे कहा जाता है, शंकर लक्ष्मण, ये किस लिए फेमस थे, हॉकी के लिए फेमस थे, शंकर लक्ष्मण बुलेट, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग मतलब हो गया पब्लिश कमीशन, पीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी का ऑफिस कहाँ है, आप ध्यान रखिए इंदौर में है, तो आपको एक और क्वेश्चन मिला है। देन इंदौर का एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT दोनों यहीं पर है, IIT और IIM मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2016-17 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया है,
या भी क्वेश्चन पूछा गया था जेल फेरी में जिसका आंसर मैंने इसको इंक्लूड करा गया है, तो ये ऑफिस से रिटर्न पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए बंसी कोल को 2016-17 का कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के 16 जिलों में क्या लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी नोट डाउन करिए। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी दो बार एग्जाम में लगातार पूछ लिया गया है और देन आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किस दुनिया का, ध्यान रखिए दुनिया का सबसे पुराना शैवाल मतलब अल्गी जीवाश्म कहाँ पाया गया है। तो आपका आंसर ध्यान रखिए कहाँ पाया गया है, चित्रकूट में पाया गया है। दुनिया का सबसे पुराना शैवाल मतलब ओल्डेस्ट, तो कहाँ पाया गया है, चित्रकूट में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गेहूं में काला रोग किसके कारण आता है। तो ध्यान रखिए पुसिनिया के कारण गेहूं में, तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं पूछ सकते हैं गेहूं में काला कीट रोग, क्योंकि मध्य प्रदेश की फसल भी आ जाएगी मेनली, तो ध्यान रखिए पुसिनिया। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि को साहसिक पर्यटन के अंतर्गत ध्यान रखिए दो चीजों को एड अप कराया था, एक तो कैंपियन ऐड करा गया था और दूसरा एलिफेंट को ऐड करा गया था। तो ये दोनों चीजों को याद करा था पर्यटन नीति 2012 के तहत मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो ध्यान रखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में, तो ध्यान रखिए अरविंद सिंह है, ठीक है। देन अरविंद सिंह सोडी, ध्यान रखिए कोच कौन है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के, अरविंद सिंह सोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती माया कौन से विभाग के मंत्री है। तो ध्यान रखिए दो विभाग के, नगरीय विकास और आवास मंत्री पूछ सकते हैं, आवास मध्य प्रदेश के कौन है या नगरीय विकास कौन है, तो माया सिंह है, श्रीमती माया सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे कितनी शराब की दुकानों को बंद कराया गया है स्थायी तौर पे। तो ध्यान रखिए 66 दुकानों को बंद कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंपत्ति वन महोत्सव 2017 कब चालू हुआ था, 30 जुलाई 2017 को। देन ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखिए वन विभाग द्वारा कहां पर कराया गया था, भोपाल में, और भोपाल में पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ सकते हैं दंपत्ति वन महोत्सव, तो आप याद रखिए इकोलॉजिकल गार्डन में किया गया था। तो देना अनादर, हमने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी कवर करें। अगला चीज देखते हैं, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कौन है पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिए इसको भी नोट डाउन कर दीजिए, राजेंद्र शुक्ल है, उद्योग मंत्री कौन है, राजेंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जून 2017 को देश का पहला ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी दो बार एग्जाम में लगातार आ गया है, कॉन्स्टेबल और उसके पहले जेल पेरी में, तो आप ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करिए, स्किल पहला है जिस कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट देश का पहला, तो कौन सा स्किल डेवलपमेंट समिति का आयोग कहां पर हुआ है, भोपाल में। तो ध्यान रखिए आप तो पूछ सकते हैं ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट देश का पहला कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया जाए तो याद रखिए भोपाल, और 1 जून 2017 को ये चीज लॉन्च हुई थी। ये थे आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर, इसके साथ मैं रोज नेक्स्ट अलग अलग लेक्चर में डालते रहूंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है नीचे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।